नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर प्रदेश के सीकर जिला मुख्यालय से है, जहां पिपराली रोड स्थित एमके मेमोरियल स्कूल में कराटे बेल्ट का जिला स्तरीय एग्जाम संपन्न हुआ, जिसमें सीकर के कई स्कूलों ने भाग लिया। इस एग्जाम को राजस्थान मित्सुया काई एसोसिएशन द्वारा संपन्न कराया गया। इसमें सीकर जिले से करीब 70 से 80 बच्चों ने भाग लिया। एसोसिएशन के हेमंत कुमार ने बताया कि और स्कूलों की तुलना में एमके मेमोरियल के बच्चों में उत्साह देखने को मिला और उनका प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा। संस्था के सह निदेशक मनीष ढाका ने बच्चों को अपने उद्बोधन में कहा कि खेल व्यक्ति को शारीरिक रूप से तो स्वस्थ बनाता ही है, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाने का काम करता है। इसके साथ ही ये हमारे मनोवैज्ञानिक कौशल के विकास में भी सहायक होता है और हमारे अंदर अनुशासन की भावना पैदा करता है एवं साहस भरता है। संस्था के गेम टीचर मोहम्मद कलीम का भी और पूरे स्टाफ का एसोसिएशन की तरफ से आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन महावीर प्रसाद ढाका, निदेशक रामनिवास ढाका, प्रिंसिपल आशा शर्मा, संगीता शर्मा, संयोजक संजय शर्मा, रानी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सीकर से साधना सेठी की विशेष रिपोर्ट।